हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और GTU डेली टेक के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी मैं ताज़ा टेक की खबरें आप लोगों के लिए लेके आया हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं, क्योंकि फ्राइडे को हमारी टेक न्यूज़ नहीं आई थी और उसका रीज़न ये था कि हमारे जो एडिटर हैं वो अपने होम टाउन से एडिटिंग कर रहे हैं और वहाँ पर बिजली की प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि वहाँ पर आंधी आ गई, तो इस वजह से हम आपको टेक न्यूज़ टाइम से नहीं दे पाए, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन मुझे उम्मीद है आज की टेक न्यूज़ आपको टाइम से मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं टेक ऑफ द डे की। और टेक ऑफ द डे में क्या आपको पता है कि आपके फोन की जो चार्जिंग केबल है वो इतनी छोटी क्यों बनाई जाती है? कई बार ऐसा होता है कि आपका फोन जो चार्ज पे लगाते हो आप और उसके बाद यूज करने की कोशिश करते हो, लेकिन केबल इतनी छोटी होती है कि आप यूज नहीं कर पाते हो, बिल्कुल आपको चार्जर से चिपक के बैठना पड़ता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आपके फोन जो है खराब हो सकता है उसकी बैटरी अगर आप चार्जिंग के समय पर उसको यूज करते हैं, और इसीलिए जो फोन की कंपनी है उसकी चार्जिंग केबल को छोटा बनाती है। पहले तो बहुत छोटी केबल्स होती थी, पता है नोकिया के फ़ोन के साथ ऑलमोस्ट सिर्फ इतनी बड़ी, ऑलमोस्ट 6 इंच की केबल आती थी बस, लेकिन अब तो बड़ी बड़ी केबल्स आती हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें इसीलिए की जाती हैं। और एक और बात, अगर आप एप्पल का कंप्यूटर यूज़ करते हैं और आप स्मोकिंग भी करते हैं ना, तो आपको एप्पल के कंप्यूटर की वारंटी शायद ना मिले, क्योंकि एप्पल की पॉलिसीज ऐसा कहती हैं कि भाई हम वारंटी नहीं देंगे अगर आप स्मोकिंग करते हैं और किसी वजह से आपका कंप्यूटर जो है उस स्मोकिंग की वजह से ख़राब हुआ है, तो हम आपको वारंटी नहीं देंगे, तो आपको वारंटी डिनाई कर सकते हैं। अगर आपको ये बातें पता थी तो ठीक है, और नहीं पता थी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बात करते हैं दोस्तों पहली टेक की खबर के साथ, और ये आ रही है रशिया की तरफ से। रशिया बना रहा था कोविड वैक्सीन जो कि आप नाक में स्प्रे कर सकते हैं, यानी कि नेजल स्प्रे वाली, अब वो ऑलमोस्ट रेडी है और वो सितंबर तक मिलनी शुरू हो जाएगी। सितंबर तक वहाँ मिलनी शुरू हो जाएगी, तो यानी कि यहाँ इंडिया में भी दिसंबर तक तो आ ही जाएगी। तो ऐसे में एक और नई कोविड वैक्सीन आ रही है जिसके अंदर आपको इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आपने वैक्सीनेशन करवाया? मैंने वैक्सीनेशन करवाया है और वो मेरे लिए भी सेफ़ है और बाकी लोगों के लिए भी सेफ़ है, तो ऐसे में वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं ताकि आप खुद भी सेफ़ रहें और आपके जो आसपास के लोग हैं वो भी आपकी वजह से सेफ हो जाएं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बात करते हैं दोस्तों वन प्लस की खबर के बारे में, और वन प्लस नॉर्ड N200 5G के कुछ हाई रेजोल्यूशन नो वाटरमार्क वाले इमेजेस जो है सामने आ गए हैं कि कैसा दिख रहा है। लेकिन ज़्यादा मत सोचिए इस फ़ोन के बारे में, क्योंकि ये फ़ोन इंडिया आने वाला नहीं है, इंडिया का लॉन्च इसका कैंसिल हो चुका है। बात करते हैं दोस्तों अगली खबर, और यह लीक योगेश जी की तरफ से। इन्होंने बोला है कि 16 डेज की बैटरी लाइफ के साथ 50 घंटे GPS के साथ आप यूज कर सकेंगे, 22 दिन का ओवरऑल पावर सेविंग मोड मिलेगा आपको नई वॉच में, जो कि मी वॉच रिवॉल्व का नया एडिशन है जिसका नाम है मी वॉच रिवॉल्व स्पोर्ट्स एडिशन। मेरे ख्याल से स्लीप ट्रैकिंग मिलेगा इसमें, स्ट्रेस मॉनिटरिंग मिलेगा, लाइट वेट है, 420 mAh की बैटरी है, 580 mAh वाटर रेजिस्टेंट है, डार्क ब्लू ब्लैक एंड बीज कलर में आपको ये मिलेगी। Amazon पे बिकेगी ये वॉच, और ये वॉच बहुत जल्द आने वाली है, मेरे पास आ चुकी है, इसका अनबॉक्सिंग हम जल्दी जो है लेके आएंगे आपके लिए। 22 जून का ये लॉन्च बता रहे हैं, हालांकि वो मुझे पता नहीं है कि ऐसा होगा नहीं होगा, अब मैं ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकता, लेकिन हाँ नई वॉच आ रही है जो कि आप देख लीजिए कुछ इस तरह की है। तो अगर आप वॉच लेने की सोच रहे थे तो आप इस वॉच के लिए रुक सकते हैं, इसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी मिलेगा आपको, हार्ट रेट सेंसर भी है, जायरोस्कोप भी है, और इसमें आपको SpO2 मेजरमेंट भी मिल रहा है, तो वो सब भी है। बात करते हैं दोस्तों अगली खबर, और ये सैमसंग की तरफ से, सैमसंग के M32 के बारे में है जो कि 21 जून को लॉन्च हो रहा है। 6.4 इंच का FHD प्लस AMOLED डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज वाला, 80 निट्स की पीक ब्राइटनेस है जो कि थोड़ी कम है, MediaTek Helio G85 है जो कि वीक प्रोसेसर है, 6000 mAh की बैटरी है, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा है, 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा Android 11 के साथ आएगा। अब देखा जाए तो ये फ़ोन अपग्रेड कहा जा रहा है, लेकिन मुझे तो ये डाउनग्रेड लग रहा है, ब्राइटनेस में कम है इसका डिस्प्ले, तो डिस्प्ले ज़्यादा ब्राइट नहीं होगा, और MediaTek Helio G85 से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको नहीं मिल पाएगी, लेकिन शायद Exynos से तो फिर भी बेहतर होगा ऐसा मेरा मानना है। तो ऐसे में ये फ़ोन कहने को तो अपग्रेड है लेकिन ये है नहीं, और Samsung का फ़ोन लोग हमारे बताने के बाद भी ले लेते हैं क्योंकि Samsung की ब्रांडिंग इतनी है, तो कई बार रिव्यूज़ भी फेल हो जाते हैं Samsung के फ़ोन के बारे में, क्योंकि Samsung पे लोगों का विश्वास है, फिर बाद में जब उनको इश्यूज़ आते हैं ब्लॉटवेयर के और बाकी सब चीज़ों के, तो उस टाइम पे वो पछताते हैं। बात करते हैं अगली खबर, और ये है Realme X9 के बारे में जो कि लिफ्ट हो गया है कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, ऐसा मुकुल शर्मा जी ने कहना है। तो यहाँ पे Realme 9 जो है आने वाला है एक नया फ़ोन, और साथ ही साथ Realme XT3 के बारे में भी बताया जा रहा है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकल के आई है। Realme की एक और खबर वो है 32 इंच का इनका टीवी जो है कंफर्म कर दिया है माधव सेठ जी ने, जो कि आने वाला है। तो अगर आपको Realme का टीवी लेना है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज Mi का टीवी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
सोच समझ के लेना इन टीवीज को और ऑफलाइन मार्केट में जाके पहले देख लेना इन टीवी को लेने से पहले, क्योंकि डिस्प्ले में बहुत फर्क होता है जो कि पता नहीं चलता है, रिव्यूज के अंदर भी मिल जाएगा अदरवाइज आपको इन्फॉर्मेशन। बात करते हैं दोस्तों टिप्स एंड ट्रिक्स की। पहली टिप है कि कैसे अलग अलग तरह की 11 सेटिंग्स को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं फेसबुक में, यानी कि ऐसी चीज़ों को आपको छेड़ना चाहिए फेसबुक में जिससे आपकी प्राइवेसी डेटा प्रोटेक्टेड रहे, आप लोगों से एक डिस्टेंस बना सके, कोई आपको फेसबुक पर बुली ना कर पाए, कोई आपके फेसबुक की फोटोज वगैरह ना चुरा पाए। ऐसी बताई हमने टिप्स एंड ट्रिक्स, 11 टिप्स हैं जो कि आप जाके पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जो अगली टिप है वो भी सुन के जाइए कि कैसे आप WhatsApp के वॉइस मैसेजेस को हाई स्पीड पर सुन सकते हैं। WhatsApp पर कोई वॉइस मैसेज आया आपको फटाफट सुनना उसको, तो आप उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। कैसे करना है क्या करना है हमने बताया है आर्टिकल्स के अंदर जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दोनों के मिल जाएंगे। तो ये थी आज की ताजा टेक की खबरें। मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।